आज हम खड़े हैं ताजेवाला के एक प्राचीन पुल पर। आपको दिखा दूं, 1937 से 1939 में रीमॉडल किया गया था। जो इसका लोड था वो 5 टन बताया गया। ये जो पत्थर है आई थिंक उसी जमाने का लगा हुआ है, क्योंकि बाद में तो किसी ने लगाया नहीं होगा। तो आज इस पुल की जो हालत है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुल पूरी तरह से टूट चुका है। हमारे साथ यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर आगे आ जाओ, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पुल के बारे में? कितना जर्जर हो चुका है पुल और क्या इसकी मान्यता थी पहले? क्या बहुत जर्जर हो चुका है जी। ये इतना अच्छा पुल था, लोग यहाँ से बाहर से घूमने आते थे और यहाँ पे एंजॉय करते थे। अच्छा, ये जो मेन पुल है ये उत्तर प्रदेश को हरियाणा से जोड़ता था? हाँ जी, हरियाणा से जोड़ता था और इस पर केवल मोटरसाइकिल या साइकिल अलाउड थी, गाड़ी नहीं थी। गाड़ी नहीं, बल्कि इतना ही चौड़ाई थी। हाँ जी, इतनी ही चौड़ाई थी, इतनी चौड़ाई थी। और आज के टाइम में हरियाणा और यूपी को जोड़ने के लिए आगे पुल बनाया गया। आगे पुल जो हथनी पुल रहा है इससे बनाया गया, मतलब ये अब टूट चुका है। क्या कैसे टूटा था ये पुल के कुछ बता सकते हैं? खनन की वजह से टूटा है। इसके ऊपर से खनन होता है? यूपी का खनन हुआ, यूपी में। अच्छा, नीचे से सब। अच्छा, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आपको चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ पुल की क्या कंडीशन है यहाँ पर। कैमरा दिखाओ जी, मैं बात करूँगा। आ जाओ, आ जाओ आप भी। तो दोस्तों ये है वो पुल, हम ऊपर से दिखा रहे हैं। हालांकि इस पे लिखा गया है कि जाना मना है, फिर भी हम लोग रिस्क लेकर जा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये जो यमुना नदी है, ये पूरी की पूरी यमुना नदी है। ये चारों तरफ ये आप देख सकते हैं कितनी गहरी हो चुकी है। खनन के बाद की जो स्थिति है मैं आपको दूर तक दिखाना चाहूँ, कितने बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं, जो खनन माफिया यहाँ पर खनन कर चुका है यहाँ पर, जिस वजह से आज इस पुल की हालत जो है आप देख सकते हैं। ये आधा पुल है, ये आप देख सकते हैं आधा पुल है। और उस तरफ यहाँ से झूला बता रहे थे, ये इसको झूले से जोड़ते थे, तो काफ़ी अच्छा ये पुल माना जाता था। मैं अपने कैमरामैन से पकड़ाऊँगा, कैमरा पकड़ो एक बार। तो ये पुल उत्तर प्रदेश को हरियाणा से जोड़ता था उस वक्त जो थे, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में 1937 से 1939 तक बनाया गया है। आज ये पुल जो विरासती पुल था जर्जर हालत में है, टूट चुका है खनन के चलते। सरकार प्रशासन का कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं कितना लंबा पुल था ये यमुना नदी के। मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा कि वो पूरा का पूरा नदी का जो दृश्य है वो दिखाए, उस तरफ भी थोड़ा जूम करके दिखाएँ। कितने बड़े बड़े जो पत्थर रखे गए थे वो भी टूट चुके हैं खनन के चलते। हालाँकि सरकार खनन को लेकर काफ़ी बड़े बड़े दावे करती है, बहुत बड़े एक्सटिंग ऑपरेशन चलाती है खनन को रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल से साबित होते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो विरासती पुल था 1937 और 1939 के मुताबिक बना गया था, सिर्फ इसकी जो वजन सहने की क्षमता थी 5 टन बताई गई। आज ये पुल ख़त्म हो चुका है। हम यहाँ ताजेवाला सर्वे के लिए आए थे तो यहाँ पर इस पुल की हालत देखी, सोचा आप लोगों को दिखा दें। कैमरामैन सौरभ के साथ सरनजीत सिंह, HR71।